हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन कितना होता है। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, थ्योरम का नाम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ पॉइंट इज हाउ मच। तो हम बोलेंगे डी इज इक्वल टू होता है कि आपने फॉर्मूला देखा था, प्लेन का फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू आर डॉट एन माइनस डी, यही था फॉर्मूला, इज इक्वल टू जीरो होता था। हम बोलेंगे r की जगह पे ना a लगा दीजिए, जहां से आप जिस पॉइंट से, मान लीजिए ये प्लेन है आपका, ये प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो हम बोलेंगे r डॉट एन इज इक्वल टू d, यही था प्लेन का इक्वेशन। और इस पॉइंट से आपको दूरी चाहिए, परपेंडिकुलर दूरी, मान लीजिए ये a है, तो हम बोलेंगे कि a डॉट n माइनस d, यहाँ पे r की जगह पे a पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय n वेक्टर, क्या करना है आपको, n वेक्टर से डिवाइड कर देनी है, बात समझ में आ गई, और इसका मॉड निकाल लेना है, यही होता है डिस्टेंस। अब इस चीज को हम प्रूफ करने वाले हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास यहां दिख रहा है आपको ये प्लेन है, और आपको ये दूरी कितनी दी हुई है, ये दूरी d है, और d आपको कैलकुलेट करना है। हम बोलेंगे क्यों ना इस लाइन के पैरेलल एक लाइन n खींचा जाए, n बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ जी ठीक है। तो मुझे बताइए कि इसका नाम दे देता हूं a m, ठीक है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ a m इज इक्वल टू हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू n वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन a m आ गया। अच्छा, ये इक्वेशन मतलब r क्या है, r इज एनी पॉइंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि r इज, हम बोलते हैं लेट अज्यूम दैट r वेक्टर इज एट प्लेन, हम क्या मान लेते हैं कि r एक, r जो था ना, ये r लिखा हुआ है, ये r कहां पे है, तो हम बोलेंगे प्लेन पे है, और प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो हम बोलेंगे प्लेन का इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, d वेक्टर। तो हम बोलेंगे r की जगह पर ये वाला बात पुट करेंगे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे a वेक्टर डॉट लैम्डा इंटू n वेक्टर, ठीक है, डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्या आप यहां से लैम्डा निकाल सकते हो, तो हम बोलेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम बोलेंगे a डॉट a प्लस है ना यहां पे, हाँ, तो हम बोलेंगे a वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू n वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, क्या गया ये d। अच्छा, सो क्या आप यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा n वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है। सो आप लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो कि d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर का स्क्वायर, सही है। तो आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू मिल चुका है, ओके। अब आपको लैम्डा मिल चुका है, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी मान लीजिए इसका am, हम बोल रहे हैं am का जो मॉड होगा, या am इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि m माइनस a होगा, m वेक्टर माइनस a वेक्टर, m वेक्टर कितना है बेटा, m वेक्टर मतलब r वेक्टर, r कहां गया ये, तो हम बोलेंगे r वेक्टर है हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू n वेक्टर माइनस अगेन a वेक्टर, a और a तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो देखेंगे लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास d माइनस a डॉट n वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n का मॉड का स्क्वायर, और यहां पे क्या है n वेक्टर। अब देखो मॉड का स्क्वायर लिखने से अच्छा है मैं पहले इसको ऐसे लिखूं n वेक्टर ये एक एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास am आ जाएगा, और am क्या है, am ही तो दूरी है, एक पॉइंट से एक प्लेन की दूरी कितनी है am, तो आपको क्या मिलेगा अगर आप मॉड लगा दें यहां पे, तो ये भी क्या आ जाएगा मॉड में आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहां लिखता हूं मैं, हम बोलेंगे कि d इज इक्वल टू, d मतलब समझ में आ रहा है, ये दूरी भाई ये d अलग है, ठीक है, ये प्लेन वाला इक्वेशन वाला दूरी है, हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है इसको, या आप am बोल दो ना, चलो हम बोलेंगे am इज इक्वल टू, am का मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये मॉड है तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d वेक्टर, माइनस d है, डिवाइडेड बाय n का मॉड, सही है, और ये पूरा किस में है, मॉड में है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम प्लेन का, प्लेन से एक पॉइंट की दूरी निकालते हैं, क्लियर हो गया ये बात, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर वन है कि प्रूव दैट, या चलो एक बेसिक सवाल ले लेते हैं, बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पॉइंट कैसा दिया हुआ है 2, 1, 0 फ्रॉम द प्लेन 2x + y + 2z + 5 = 0। हेलो, तो हम क्या बोलेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। अब देखो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करें, तो हम बोलेंगे चुपचाप हम प्लेन का इक्वेशन को लिखेंगे, कैसा था 2x + y + 2z + 5। नीचे क्या करना है आपको, जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x1 लिख देना, वहां पे y1, यहाँ पे z1, और x1 y1 की वैल्यू क्या है, ये वाला 2, 1 and 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 1, यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 1 = 9, 9 का ये हो गया 3। सो यहाँ से आपको क्या मिलते जा रहा है, डिस्टेंस मिलते जा रहा है, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5, 4, 9, 1, 10 upon 3, ठीक है, 10 upon 3 मतलब 3.33। ठीक है, सो ये आ गई क्या आपको, दूरी मिल गई। तो इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। चलो हो गया, चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। अब है नेक्स्ट सवाल क्या बोलते हैं हम लोग को, कि प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ए बी सी and is at distance of p units from the origin, then क्या, तो बोलता है 1 upon a² + 1 upon b² + 1 upon c² = होगा 1 upon p². ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक प्लेन है हमारे पास, प्लेन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो आपको पता है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हो, आप लिखते हो x / a + y / b + z / c = 1/p, यही लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लिख देता हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको इस बार ना डायरेक्ट नहीं दिया था इक्वेशन प्लेन का, आपको बोलता है कि कंडीशन दे देता हूं, आप ढूंढ लो। ठीक है, तो ये रहा, अब क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ओरिजिन से इसकी दूरी हमको बतानी है, तो हम बोलेंगे मान लीजिए ओरिजिन से अगर दूरी है, तो हम प्लेन का इक्वेशन को पहले लिख देते हैं कि x / a + y / b + z / c - 1 upon p / 1 by a² + 1 by b² + 1 by c² = कितना है, दूरी कितनी है, तो हम बोलेंगे दूरी कितनी हो जाएगी, तो ओरिजिन से इसकी दूरी है ना, अच्छा यहां पे 1 होता है ना, यहां पे 1 होता है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू, यहां पे 1 लिखिएगा, गलती हो गया, यहां पे है 1, यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी है, p लिखा हुआ था कि p है। अब आप क्या करोगे, यहां पे 0, यहां पे पुट कीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x1 y1 z1 क्या होगा, 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहां पे आ जाएगा बेटा 1 - 1 upon ये कितना आ गया √(1/a² + 1/b² + 1/c² = p। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहां लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं, हम बोलेंगे यहां पे आ जाएगा कि 1/(1/a² + 1/b² + 1/c² = p² इसको यहां ले आओ, इसको इधर भेज दो, क्या बन गया 1/(1/p² = 1/(a² + 1/b² + 1/c² यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज, चलो जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं कि अ वेरिएबल प्लेन, अ वेरिएबल प्लेन, एक वेरिएबल प्लेन है अपने पास विच रिमेन्स एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, बोलता है कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC. फिर बोलता है शो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज x पे पावर माइनस टू प्लस y पे पावर माइनस टू प्लस z पे पावर माइनस टू इज इक्वल टू p पे पावर माइनस टू. ये हम लोग को प्रूफ करनी है. ठीक है, कैसे किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या बोलता है कि वेरिएबल प्लेन है और रिमेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p और उसके जो इंटरसेप्ट है वो ए बी सी पे है. तो हम बोल रहे हैं कि इसका इक्वेशन क्या आएगा, हम बोलेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. ए बी सी क्या है, कोऑर्डिनेट्स है. अच्छा एक चीज बताइए कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रॉइड जो होगा हमारा, सेंट्रॉइड क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि समझ रहा है कोऑर्डिनेट आपके पास क्या क्या है, तो हम बोलेंगे 0 0 a है. ठीक है, सेंट्रॉइड पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, 0 0 a, उसके बाद है 0 b a, 0 b 0, उसके बाद है a हो गया, b हो गया और लास्ट में c हो गया, है ना. x यहां पे लिखना चाहिए ना, ये a है, ये b है और ये 0 0 c है. अब आप बताइए मुझे कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा 0 a प्लस 0 प्लस 0, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, दैट इज a बाय 3 कॉमा यहां पे आ जाएगा b बाय 3, यहां पे आ जाएगा c बाय 3. ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड है. मान लीजिए सेंट्रॉइड को हम अल्फा बीटा और गामा बोल रहे हैं. ठीक है, तो जब जवाब पड़ेगी तो हम अल्फा बीटा गामा उसको लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा. अब हमारे पास क्या है, ये आपने बोला कि इसकी दूरी ओरिजिन से, ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, 3p है. तो चलिए पुट करते हैं, बोलेंगे d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो हम बोलेंगे d मतलब कितना है, d हमारे पास है 3p इज इक्वल टू 0 0 0 यहां पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर. क्लियर है, रूट में आएगा. अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 बाई 9 स्क्वायर 1 बाई 9 पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर. समझ गया होगा ना, मैथमेटिक्स है. इसको इधर, इसको इधर, इसको ऊपर, ऐसा आएगा. अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपने रीअरेंज कर लिया. अब आप ध्यान देना ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो. मैं बोलूंगा भाई ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए इज इक्वल टू कितना होता है, देखो हम बोलेंगे कि अल्फा, अल्फा क्या है, देखो अल्फा इज इक्वल टू है ए बाई 3, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा. तो मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे 1 बाई 9 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए की जगह पे क्या लिखना चाहते हो आप, 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 बीटा का स्क्वायर सिमिलरली, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाई 3 गामा का स्क्वायर. अल्फा बीटा गामा क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, सेंट्रॉइड के. तो हम बोलेंगे यहां पे आएगा 9 9 9, देखो हर जगह कट जाएगा, क्या बचेगा ऐसा, ठीक है. ये सेंट्रॉइड के क्या है, पॉइंट्स हैं. अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर. क्या यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था आपको, यही बोला गया था. तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले ना एक थ्योरम हम लोग को और पढ़ना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. यहां लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. तो हम बोलेंगे पैरेलल प्लेन हमारे पास देखो कैसा है, ये रहा, ठीक है, और यहां पे बना लेते हैं ये. तो इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी कितनी है, हम बोलेंगे d है.
बोलता है ये डी कितना है, तो आपको मैं दे देता हूं कि पहले वाले का इक्वेशन है, मान लीजिए a1 या ऐसे ले लो ax plus by plus cz is equal to या minus d1 is equal to 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन चूंकि ये पैरेलल है तो इसके एबीसी नहीं बदलेंगे, देखना, तो हम बोलेंगे ax plus by plus cz minus d2, ये पैरेलल इक्वेशंस होते हैं, ये पैरेलल प्लेन्स के इस तरीके के इक्वेशन होते हैं। बोलता है इनके बीच की दूरी चाहिए, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब डी इज इक्वल टू, आप क्या करना, आप ले लेना डी1 माइनस डी2 का मॉड डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि डी1 माइनस डी2 डिवाइडेड बाई दिस पार्ट। ओके, अब इस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से। इस पे एक क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन किस किस चीज के बीच में डिस्टेंस बोलता है, बिटवीन पैरेलल प्लेन कितना दिया हुआ है, बोलता है 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक चीज दिया हुआ है कि 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो पैरेलल प्लेन है, क्या आपको पैरेलल दिख रहा है, बोलोगे सर ये तो अलग अलग है, अरे कुछ चीजें मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसके जैसा बन जाएगा, दोनों आसपास हो जाएंगे। देखो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना फर्स्ट वाले में, क्योंकि ना आपको आपको दिखना चाहिए कि सारे जो कोएफिशिएंट पार्ट है ना वो इक्वल है, तो हम बोले एक काम करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन गया 4x माइनस वाई प्लस 4z प्लस 6, अब ठीक है इज इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है देखो, 4x माइनस 2y, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 2 आना चाहिए, ओके ओके ठीक है, यहां पे 2 और यहां पे है 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या आपको दोनों प्लेन का इक्वेशन दिख रहा है, क्या इसके कोएफिशिएंट अब मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब आपको क्या करनी है, तो आपको लेना है d1 माइनस d2, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस यही आंसर है, देख लीजिए कितना है 1 4 4 16 16 16 32 32 और 4 36 36 का रूट क्या होता है 6, तो हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 6, डेसिमल में लाना है तो डेसिमल में ले आइएगा, तो ये पार्ट यहां पे कंप्लीट हो। सो आज के क्लास में हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, फिर हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अनदर प्लेन जो कि क्या हो, पैरेलल हो, तो ये भी चीज हमने देख लिया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग वहां पे बात करेंगे कि एक लाइन और एक प्लेन में किस तरीके के इक्वेशंस होंगे, क्या क्या रिलेशन होगा, क्या एंगल होगा एक लाइन और एक प्लेन के बीच में, तो ये अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।